नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने वाले हैं, एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाले हैं जो देश के सभी बेरोजगारों के लिए है। जी हाँ, अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आपको भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जहां से आपको 25 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर 35% सब्सिडी भी मिल जाती है। अगर आप 25 लाख रुपए का लोन प्राप्त करते हैं तो इसमें आपको 8,75,000 रुपए पहले ही माफ हो जाते हैं, यानी 8,75,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाती है, यानी आपको कुल 16,25,000 रुपए ही वापिस पे करने होते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के विषय में हम आपको आज पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप ये लोन प्राप्त कर सकते हैं, इसकी क्या ब्याज दर होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहां पर आवेदन करना होता है और कितने दिन में आपको लोन मिल जाता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 8वीं पास होना आवश्यक है। अगर आप 8वीं पास हैं तो आपको यह लोन मिल सकता है, यानी आपके पास कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट होना आवश्यक है तभी आपको यह लोन मिल पाएगा। तो कम से कम आप 8वीं पास हो, वो मार्कशीट हो, या फिर आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो, हायर आपके पास इंटर की हो या जो भी हो, लेकिन कम से कम आपके पास 8वीं पास की मार्कशीट होना आवश्यक है। और दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देना है, आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी इस लोन के एवज में बंधक नहीं करना है, आपको कोई कोलेक्टल सिक्योरिटी नहीं देना है, कुल मिलाकर ना ही आपको कोई गारंटर देना है, ना ही आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान, FD या कुछ भी आपको नहीं देना है इसके गारंटी के रूप में। बस आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 8वीं पास हैं तो मार्कशीट ही आपकी गारंटी के रूप में बैंक के पास रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस स्कीम की पूरी जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री है और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही प्रेरित करता है। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्कीम का नाम जान लेते हैं कि आखिर ये कौन सी स्कीम है। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है PMEGP स्कीम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दोस्तों, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं यह कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए देश के बेरोजगारों को इस स्कीम के माध्यम से लोन दिया जाता है। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इससे लोन प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रहे, आपका अगर कोई पुराना बिजनेस है, आप उसे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको PMEGP स्कीम से लोन नहीं मिल पाएगा। आप जब कोई नया व्यवसाय सृजित कर रहे हैं, कोई नया आप कार्य शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस स्कीम से 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरे देश में है, आप पूरे देश के किसी भी कोने से हो, किसी भी राज्य से हो, आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि यह योजना पूरे देश में संचालित की जा रही है और ये सभी वर्गों के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए है। आप किसी भी वर्ग से हो, आप PMEGP स्कीम का लोन प्राप्त कर सकते हैं। बस यहाँ पर सब्सिडी में थोड़ा अंतर रखा गया है, स्पेशल कैटेगरी के लिए थोड़ा ज्यादा सब्सिडी है और जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा कम सब्सिडी है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी की महिला आवेदक है तो उसको भी सब्सिडी उतनी ही मिलेगी जितनी स्पेशल कैटेगरी को मिलेगी। दूसरी चीज है दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए यह लोन उपलब्ध है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी सब्सिडी थोड़ा ज्यादा है और शहरी क्षेत्र के लिए सब्सिडी थोड़ी कम है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी सब्सिडी है और शहरी क्षेत्र के लिए कितनी सब्सिडी है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको अपने पास से, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 5% अंशदान करना होगा, यानी मार्जिन मनी अपने पास से लगाना होगा। जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा, जो भी उसमें खर्च आने वाला है, उसका 5% हिस्सा आपको अपने पास से लगाना होगा। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो इसमें आपको मार्जिन मनी 10% लगानी होगी, यानी अपने पास से 10% अंशदान करना होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए का है और आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको 1 लाख रुपए अपने पास से लगाने होंगे। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर आपको अपने पास से सिर्फ 50,000 रुपए लगाने होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ही PMEGP स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई पुराना बिजनेस है, उसे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए PMEGP स्कीम से लोन नहीं प्राप्त कर सकते। अन्य बहुत सारी योजनाएं पहले से संचालित हैं, आप उनसे पुराने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, वहां पर भी आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। तो आप PMEGP को ना अपना करके, आपका अगर पहले से कोई व्यवसाय है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी आपको बिना किसी गारंटी के रुपए 10 लाख तक का लोन मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से।
और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, तो अगर आप व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो अन्य स्कीमों से लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको पीएमईजीपी से लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई आप मशीन लगाना चाहते हैं, कोई इकाई लगाना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें आप कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई खिलौना बनाने वाली मशीन लगा रहे हैं, या फिर आप कोई आलू या पापड़ वगैरह की मशीन लगा रहे हैं, या फिर आप नमकीन बनाने की कोई ऐसी मशीन लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है अगर आप कोई मशीन लाते हैं और कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको इस स्कीम के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। वहीं अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई अन्य चीज का व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ भी नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस स्कीम से 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। तो अगर आप कोई इकाई लगाना चाहते हैं, कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को भी काम देंगे, आप कई सारी मशीनें लगाएंगे, तो वहां पर आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिल पाएगा। तो अगर आप 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन करते हैं, उसमें भी आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 3,50,000 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी, 6.5 लाख रुपए ही आपको वापिस जमा करने हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जनरल कास्ट से हैं और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी इसमें 15%। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जनरल वर्ग से हैं तो फिर आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी 25%। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी से हैं, तो आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तब भी आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप इसमें महिला आवेदक हैं तो फिर दोस्तों आपको इसमें भी 35% सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप और जनरल कैटेगरी से भी हैं तो आपको यह चाहिए कि आप अपने घर की किसी महिला आवेदक के नाम ये फाइल डालें जिसमें आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से पुरुष आवेदक रहेगा तो उसको 25% ही सब्सिडी मिलेगी। तो अगर आप 35% सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अपने घर की किसी महिला के नाम ये फाइल डालिए, उनके नाम से इस प्रोजेक्ट को शुरू करिए, तो आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में रजिस्टर होना चाहिए। यह मैंडेटरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिस भी बैंक से आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं आपके क्षेत्र में, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हो उस बैंक में आपका पहले से बचत खाता होना आवश्यक है। इसके साथ में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी होगी, वो चाहे तो आप खुद बनाएं या फिर आप किसी सीए की मदद ले सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवाने में। आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपको दर्शाना होता है कि आप जो ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं इसमें कुल कितना खर्च आने वाला है, किस चीज में कितना खर्च करेंगे, आपका प्रॉफिट कितना आएगा, लागत कितनी आएगी, टोटल इसका जो रेवेन्यू निकलेगा वर्ष में वो कितना निकलेगा, तो वो सब कुछ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना होगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप किसी सीए की मदद ले सकते हैं और वहां से उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगे बस आपका। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले से किसी बैंक के डिफॉल्टर हैं या लोन के बड़े बकायेदार हैं उस दशा में आपकी ये फाइल रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस है, आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर नहीं है, उस दशा में भी आपको ये लोन मिल जाएगा। यानी आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस होगा तो आप आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर के या तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहे तो पीएमईजीपी लिख करके जैसे गूगल पर सर्च करेंगे आपके सामने पीएमईजीपी की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आपके पास पीएमईजीपी ऑफिस से कॉल आएगा, जैसे आप फाइल सबमिट करेंगे 8 से 10 दिन में आपके पास कॉल आएगा और आपको पीएमईजीपी कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प है। आपको अपने जिले में चले जाना है, हर जिले में जिला उद्योग केंद्र होता है, वही पीएमईजीपी का ऑफिस होता है, वहां पर आपको जाना है। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको उन्हें दे देना है और उसके बाद वो आपकी एक फाइल तैयार कर देंगे। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो लेकर के ही जानी है, अगर आप लेकर के नहीं जाते हैं तो आप वहीं पर जब पीएमईजीपी ऑफिस जाएंगे उनसे बोलेंगे कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, तो आपको किसी सीए से कांटेक्ट करवा देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके
अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए और उसके बाद उनसे बोल दीजिए कि हमारा ये व्यवसाय है। तो जो PMEGP ऑफिस के जो अधिकारी होंगे वो जहां पर आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसका सर्वे करेंगे, जांचेंगे, देखने के बाद वो आपकी फाइल को संबंधित बैंक को भेज देंगे। जिस भी बैंक की आपने पासबुक की फोटोकॉपी लगाई है उस बैंक को आपकी फाइल भेज दी जाएगी। जैसे ही उस बैंक को आपकी PMEGP की फाइल प्राप्त होगी, बैंक के जो भी लोन ऑफिसर होंगे वो आपके गांव आकर के सर्वे करेंगे, देखेंगे कि आप कहां पर ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, जो भी स्थितियां होंगी वो देखेंगे। और देखने के बाद अगर उन्हें सब कुछ सही लगता है, आपका सिविल चेक करेंगे, सिविल स्कोर सही रहता है, तो फिर वो आपको आपकी बैंक बुला करके आपकी एक लोन की फाइल तैयार कर दी जाए। दोस्तों, बैंक में आपके दो लोन अकाउंट ओपन किए जाएंगे। एक लोन अकाउंट होगा आपका टर्म लोन का और दूसरा होगा आपका कैश क्रेडिट। जो कि टर्म लोन होगा उसमें आपको 70% लोन का हिस्सा दिया जाएगा और जो CC होगा यानी जो कैश क्रेडिट होगा उसमें 30% अमाउंट दिया जाएगा आपको। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया है तो 7 लाख रुपए का आपका टर्म लोन होगा और 3 लाख रुपए का आपका कैश क्रेडिट लोन अकाउंट होगा। अब जो 7 लाख रुपए वाला लोन अकाउंट होगा उससे पैसा सीधे उस फर्म को जाएगा जहां से आप सामान खरीदने वाले हैं या आप जो भी मशीन लाने वाले हैं। कुल मिलाकर के वो पैसा आपको हाथ में नहीं दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा पैसा RTGS के माध्यम से उस कंपनी को, उस फर्म को भेजा जाएगा जो जहां से आप बिल वाउचर लेकर के आएंगे या फिर जो भी मशीन लाने वाले हैं या फिर जो भी आप सामान लाने वाले हैं उसका पैसा सीधे उस कंपनी को आपको भेज दिया जाएगा। बचेगा आपका 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए को आप जब जरूरत पड़े कैश में आप बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, अपनी अगर कोई मशीन लाए हैं उसे संचालित करने के लिए, आप चलाने के लिए, वो 30% अमाउंट आप बाद में विड्रॉल कर सकते हैं। जिस तरह से आपका किसान क्रेडिट कार्ड का अकाउंट होता है उसी तरह से आपका ये 3 लाख रुपए का CC अकाउंट रहेगा। इससे आपको जब जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं, जब जरूरत ना हो तो आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चलाना होगा। रही बात सब्सिडी की कि आपको सब्सिडी कब मिलेगी 3.5 लाख रुपए अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन का आवेदन किया है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सब्सिडी लोन सैंक्शन होने के दूसरे दिन ही PMEGP कार्यालय आपकी संबंधित बैंक को भेज देता है। बैंक में एक अलग TDR अकाउंट खोल करके आपकी सब्सिडी को जमा कर दिया जाता है। वो सब्सिडी आपको तब दी जाएगी जब आप कम से कम इस लोन को 3 साल तक चला लेंगे। अगर आप 3 साल से पहले इस लोन को बंद करते हैं तो विभाग अपनी सब्सिडी वापस ले लेता है, लेकिन अगर आप 3 साल तक इस लोन को चलाएंगे तो ये 3.5 लाख रुपए जो TDR अकाउंट में जमा है वो आपके इसी टर्म लोन वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। अगर आपने इस टर्म लोन का जो अकाउंट है इसमें पैसा आपने खुद जमा कर दिया है, लोन पूरी तरह से पे कर दिया है, तो फिर ये पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी सब्सिडी आपको 3 साल बाद ही मिलेगी, 3 साल से पहले आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है कि इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं और इस तरह से आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा। दोस्तों 15 से 20 दिन में जब बैंक आपकी फाइल आ जाएगी आपका लोन 15 से 20 दिनों में स्वीकृत हो जाएगा और आपको यहां से पैसा मिल जाएगा। या फिर अगर आप कोई कमर्शियल गाड़ी लेना चाहते हैं, आप लगवाना चाहते हैं, जैसे आज के समय में ओला है, उबर है, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं वो कमर्शियल गाड़ी चलवा रही हैं, तो आप भी चाहे तो इस स्कीम के माध्यम से PMEGP से कोई एक कमर्शियल गाड़ी खरीद करके भी इस व्यवसाय में लगा सकते हैं और आप PMEGP से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस लोन की हम ब्याज दर की बात करें तो दोस्तों आज के समय में 10-12% के बीच में आपको ये लोन मिल जाएगा। अलग अलग बैंकों में कोई बैंक आपको 10% की ब्याज दर पर लोन दे रहा है, कोई 10.5% की दर पर दे रहा, कोई 11% भी आपसे ले रहा है। तो 10-12% के बीच में आपको ये लोन मिल जाएगा। लोन कोई बहुत महंगा नहीं है, 10-12% ब्याज कोई बहुत अधिक नहीं होता है अगर आप ये पैसा किसी व्यवसाय में लगाते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैसा आपको निश्चित रूप से व्यवसाय में ही लगाना है। अगर आप ये पैसा कहीं और लगाते हैं तो आपके ऊपर FIR भी हो सकती है, 420 का आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो व्यवसाय दिखाया है उस व्यवसाय में इस पैसे को ना लगाएं। आप कहीं और इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी 6-6 महीने में मॉनिटरिंग होती है। PMEGP कार्यालय से अधिकारी आते हैं, वो देखते हैं, तभी आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। जब आप इस कार्य को सही से करेंगे, जिस कार्य के लिए आपने पैसा लिया था अगर वही कार्य आप करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी, तभी आप इस लोन को ले पाएंगे। अन्यथा आप लोन तो ले लेंगे लेकिन फिर हो सकता है कि अगर आप वो कार्य नहीं करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो जाए, बैंक आपके ऊपर 420 का केस भी कर दे और विभाग अपनी सब्सिडी भी वापस ले ले। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज है इसका जो अधिकतम रिपेमेंट का टाइम होता है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों में इस लोन को आपको अदायगी करना होता है। मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, जिस हिसाब से आपका लोन होगा उस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा PMEGP लोन क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आकर के इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।